हेलो स्टूडेंट्स, आई टीच यू सम पॉइंट ऑफ दिस लेसन इन लास्ट वीडियो एंड सम पॉइंट बर रिमेनिंग, सो लेट कम्प्लीट दोज पॉइंट इन दिस वीडियो। हमने इस लेसन के जो है कुछ पॉइंट जो है लास्ट वीडियो में कम्प्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट रह गए थे जो हम इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। लाइफ ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोग हैं कॉन्गो देश के, वहाँ के लोगों का लाइफ कैसी है, वो किस तरह जीवन व्यतीत करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ कॉन्गो लीड अ वेरी हार्श लाइफ, जो कॉन्गो देश के लोग हैं वो बहुत कठिन जीवन जीते हैं। द मोस्टली हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन विद शॉर्ट कर्ली हेयर, ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के वो उनका जो कलर हो बॉडी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है और उनके छोटे और कर्ली हेयर हैं। एंड जो कॉन्गो देश है स्टूडेंट्स, उसकी लगभग 80% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन मुस्लिम है। 80% पॉपुलेशन जो वो क्रिश्चियन है एंड बाकी जो बची हुई पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। जो कॉन्गो देश है उसकी जो मेन लैंग्वेज है, जो वहाँ पर भाषा बोली जाती है वो है फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज थिनली पॉपुलेटेड, जो कॉन्गो देश है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है एंड जो वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर ट्राइब्स है, मीन्स आदिवासियों की तरह आदिवासी हैं। और जो बंटू नाम की जो आदिवासी हैं, जो बंटू नाम की जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जनजाति के लोग रहते हैं। बंटू नाम की जनजाति के जो लोग हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये जो है इनकी जो हाइट होती है वो लंबी होती है और हेयर जो होते हैं इनके बाल बहुत कर्ली होते हैं। पिग्मीज आर प्राइमेटिव ट्राइब्स हु लिव इन डेंस फॉरेस्ट, ये जो पिग्मीज होते हैं ये जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं। इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है, इनकी हाइट लगभग 4.5 फीट से लेकर 5 फीट तक होती है एंड इनके जो हेयर होते हैं वो कर्ली होते हैं। दे है प्राइमेटिव लाइफ स्टाइल, ये जो है प्राचीन लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब पुराने तरीके का ही जीवन जीते हैं, आदिवासियों की तरह ही रहते हैं, उन्हीं की तरह ये खाना खाते हैं और ये उसी तरह से ही झोपड़ियों में रहते हैं। ये पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं उनसे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। एज द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, जो वहाँ का जो वेदर है, जो कॉन्गो के जंगल हैं वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ह्यूमिड होता है, तो इसलिए जो लोग हैं वहाँ के वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं। द पीपल इंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, जो लोग हैं वहाँ के वो डांस और गाने को इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, फार्मिंग फिशिंग एंड गैदरिंग हनी आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोग हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, बिजनेस है, तो वो क्या है, फार्मिंग खेती करना, मछली पकड़ना और शहद इकट्ठा करना। दे हैव एडॉप्ट मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, वो मॉडर्न मेथड की जो फार्मिंग है उसको एडॉप्ट करते हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, जो जंगल है उसका बहुत बड़ा जो एरिया वो क्लियर है, तो वहाँ पर जो है चाय, कॉफ़ी, रबड़ इन सब का जो है प्लांटेशन करते हैं। और जो कॉन्गो देश के लोग हैं वो सुगर कैन, कॉटन, ग्राउंडनट इन सब की फसल को उगाते हैं। जो कॉन्गो देश के लोग हैं दे प्लांट बनाना एंड कैश्यू, वो जो है बनाना और कैश्यू के प्लांट को उगाते हैं जिसे कसावा कहा जाता है। कैश्यू को कसावा कहते हैं। कसावा जो है वो कॉन्गो देश के लोगों का मुख्य खाना है, ये कसावा जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पसंदीदा खाना है। ये शकरकंदी की तरह होता है, मीठा होता है, शकरकंद की तरह होता है, ये इस टाइप में होता है स्टूडेंट्स। इसकी जो जड़ें होती हैं वो मोटी होती है और इसको सुखा करके जो है आटा बनाते हैं, वो लोग इसको सुखा करके आटा बनाते हैं। हाउएवर द पीपल डू नॉट लिव इन द सेम प्लेस परमानेंटली, वहाँ के जो लोग हैं वो परमानेंटली एक जगह पर नहीं रहते, परमानेंटली एक जगह पर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, जब उन लोगों को ये पता चलता है, यह पता चल जाता है कि जो
जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, उसकी मिट्टी अब ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो वो एक उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर खेती करते हैं। उस खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ये जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ कैसी हो जाती है या फिर खेती करने के लायक क्यों नहीं रहती है, वो इसलिए नहीं रहती है जब भारी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो वो उपजाऊ मिट्टी को बहा देती है और जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, वहाँ की जो जमीन है वो बंजर हो जाती है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इंडस्ट्रीज। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीज एंड कोल। जो कॉन्गो देश है वो अपने मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर डायमंड, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। कोबाल्ट स्टूडेंट्स एक स्लेटी कलर का मिनरल्स होता है, चमकदार स्लेटी कलर का मिनरल्स होता है ये। एंड जो कॉन्गो देश है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा डायमंड एंड कोबाल्ट को वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला संसार का एकमात्र देश है। एंड जो कॉन्गो देश है वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, इसलिए जो कॉन्गो देश के मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो उसे एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। इट हैज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स। कॉन्गो देश में जो है संसार का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा नंबर में डैम्स बने हुए हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्गो देश में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द कॉन्गो रिवर इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो कॉन्गो नदी है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो है कॉन्गो नदी का ही यूज किया जाता है। मताडी इज द मेन सीपोर्ट। जो मताडी है वो यहाँ का मेन सीपोर्ट है, बंदरगाह है। एंड किनशासा जो है वो कॉन्गो देश की कैपिटल है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डेवलपिंग फास्ट। जो कॉन्गो देश है, जो DRC है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर मैं PDF बना करके आपको WhatsApp पर सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।